प्रदेश में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को अनदेखा किए जाने पर हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवराज शर्मा ने पत्रकार वार्ता में विद्युत बोर्ड प्रबंधन और सरकार को चेताया है कि अगर 1 माह के भीतर संघ की मांगों को नहीं माना गया तो संघ शिमला में अधिकारियों का घेराव करेगा और धरना तक दिया जाएगा। संघ ने सरकार से मांग की है कि जल्द 15 सूत्रीय मांग पत्र पर गौर फरमाया जाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवराज शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को नौकरियों में कोटा 20% होना चाहिए। इसके साथ ही करुणामूलक आधार पर भी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं जिन्हें जल्द नौकरी प्रदान की जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सर्विस बुक जहां पर कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं वहीं पर पहुंचाई जानी चाहिए, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की अदायगी भी 1 माह के भीतर होनी चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को 20% कोटा नौकरी में आरक्षित होना चाहिए और साथ ही जो कर्मचारी आकस्मिक या काम करते हुए नौकरी के दौरान शहीद हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, सरकार से हमारा आग्रह है कि उनके आश्रितों को, बच्चों को कई सालों से कर्णमूल आधार के ऊपर नौकरी नहीं मिल रही और उनके परिवारों का बुरा हाल है, उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। और कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के जब उसका 55 साल का होता है रिटायरमेंट केस में, वो चाहे कहीं भी हो, सर्विस बुक उसके होम स्टेशन में आ जानी चाहिए जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन जो है रिटायरमेंट के अगले महीने उसको पेंशन लग जानी चाहिए और साथ ही जो भी उसका बकाया जो ड्यूज होते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर उनकी अदायगी होनी चाहिए। इसी महीने 16 जुलाई को एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर माननीय ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से मिला और उन्हें हमने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मंत्री से बातचीत हुई और उन्हें माना कि जो आपकी 15 मांगे हैं जायज हैं और इसके बारे में सरकार को भी हम कहेंगे और प्रबंधक वर्ग को बोलेंगे। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल कुमार हाउस में प्रबंधक वर्ग से मिला, उनको 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया, ज्ञापन दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रामी का निर्देशक से बातचीत हुई, उन्होंने 2 मांगों के बारे में LTC और साथ में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उन्हें 65, 70 और 80 आयु के होते हैं उनको 5%, 10% और 15% वृद्धि उनके वेतन के साथ लगती है, इंक्रीमेंट लगती है जो कि वो लमसम करके लगा देते थे। हमने कहा कि ये हमारी बेसिक जो पेंशन है, पे है, उसके साथ लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में ऐसा होता है तो हिमाचल में भी होना चाहिए। देवराज शर्मा ने कहा कि गत 16 जुलाई को ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था लेकिन अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन को मांगों का ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उन्होंने बताया कि 65, 70 और 80 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि बेसिक पेंशन के आधार पर लगाने की मांग भी की गई है क्योंकि पंजाब प्रांत में इसी आधार पर प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन जो है रिटायरमेंट के अगले महीने उसको पेंशन लग जानी चाहिए और साथ ही जो भी उसका बकाया जो ड्यूज होते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर उनकी अदायगी होनी चाहिए। हमने मैनेजमेंट को ये सब कहा है, आग्रह किया है, परंतु अगर प्रबंधक वर्ग हमारी मांगों को अनसुनी करेगा, नहीं मानेगा तो हम मजबूर होंगे एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट जो भी हमारी ट्रेड यूनियन कहती है उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने का हमने समय दिया है, 1 महीने तक
अगर हमारी 15 सूत्रीय मांगों को नहीं माना तो कुमार हाउस के प्रांगण में घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रबंधक वर्ग को घेरा जाएगा। और साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा बिजली बोर्ड, हमारा बोर्ड हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में नंबर एक हो, सशक्त हो, मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो। इसी के लिए जब भी प्रबंधक वर्ग को, सरकार को हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरत हो, हम काम करने के लिए बिना पैसे के तैयार हैं, क्योंकि बोर्ड आत्मनिर्भर होगा तभी हमारी पेंशन भी सुरक्षित है।